हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है हमारी। इससे पहले अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे देखिए। इफ टू फंक्शंस fx एंड gx, अभी तक एक फंक्शन की बात हो रही थी, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शन की बात हुई है, एक fx है और एक gx है। आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। जी डैश एक्स मतलब जी एक्स जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट जब कर दिया तो जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल दिस ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट। तो अगर कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम उस क्वेश्चन में अगर है, ये चीज एग्जिस्ट हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ए और बी क्या है, लिमिट है, तो जो सी की वैल्यू आएगी वो ए से, ए मतलब लिमिट लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट, जो दो लिमिट गिवन होती है तो सी जो है उनके बीच की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ए से, लेस देन होगी बी से, लेकिन ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात की गई है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए और बी वैल्यू नहीं होती हैं, इनके बीच की वैल्यूज काउंट करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द इंटरवल 1, 2। तो 1 क्या है, जो लिमिट ए और बी होती है, तो ए इज इक्वल टू 1 है और बी की जगह पे क्या है 2 है, ये हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 और 2 दो लिमिट गिवन थी, तो एक बार एफ 1 निकाला तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। एफ 2 मतलब एक्स की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसी तरीके से जी 1 1 का क्यूब 1, जी 2 2 का क्यूब 8। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एफ डैश सी अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे सी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2c। यहाँ जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और यहाँ पे सी पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 3c स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ क्या है एफ बी माइनस एफ ए, तो बी की जगह 2 है, ए की जगह 1 है, तो एफ 2 माइनस एफ 1 जी 2 माइनस जी 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, सब जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। एफ 2 की वैल्यू क्या थी 4, एफ 1 की 1, जी 2 की 8, जी 1 की 1, एफ डैश सी की 2c, जी डैश सी की 3c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको 4 में से 1 माइनस करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे, 3/7 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 9c स्क्वायर माइनस 14c, सी कॉमन ले लीजिए तो 9c माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो सी इज इक्वल टू 0 हो गई, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9c माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो 9c इज इक्वल टू 14, सी इज इक्वल टू 14/9। तो इस तरीके से हमारा कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और साथ साथ पढ़ते चलिए। जहां भी समझ में नहीं आ रहा है तुरंत क्वेश्चन पूछिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसकी पिक भेज ही देते हैं। अगर बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके देख लीजिए, समझने की कोशिश किया करिए। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन बिना समझे करेंगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समझने की कोशिश करा करिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।